नमस्कार चाषी भाई मैंने आनंद आपन को स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल आनंद रश्मि को आसतु आज आम पुणि थे कपा चाषर गोटे छोटिया पद्धति विषय आलोचना करवा जार व्यवहार द्वारा आम कपा फसल अधिक अमल करपा बिहन बुणी सार 10 रु 15 दिन पर गजा हो नान गैपिलिंग करवा साधारणतः आम कपा चाषे बिहन बुणवा कम जून मासर द्वितीय सप्ताह ठार आरंभ कर जून मासर शेष पर्यंत आम सारी था यही समय रे बुणिले कपा फसल अधिक अमल पाई कपा बिहन बुणी सारे समस्त बिहन गजा हो न था यार कारण हूँ कपा बिहन गजा हेबार क्षमता हूँ मिनिमम 75% माने आमे जदि 100 टी कपा बिहन गजा करवा तेबे कम से कम 75 टी बिहन गजा हे ताले आम जापर यह भल कपा बिहन चाषी मैंने कपा बिहन जमीन बुणी सारे समस्त बिहन गजा हो न था पखापाखि 75% बिहन गजा होता है और बाकी बिहन गजा हो पार न था तेणु से जगार आउ कपा गछ हो न था जहाद्वारा आम गछ संख्या कमी जाए और गछ संख्या कम द्वारा आम आदाय कमी जाए धरी आम 1 एकर में कपा चाष करवा और से कपा बिहन धाड़ी को धाड़ी 3 फुट और गछ को गछ 3 फुट व्यवधान में बुणवा तेरे आम गछ संख्या 1 एकर में 4840 रोटे गोटे गछरु कम से कम 50 टी बकरा फल और से 3 ग्राम मंजी कपा बाहर तेरे आम आदाय 1 एकर को 7260 के जी 7 क्विंटल 26 केजी हेबो जदि आम कपा बिहन गजा हेबार क्षमता को देखा तेरे 25% बिहन गजा हेबना और 25% बिहन जदि गजा नाला ताहले एकर को गच संख्या 3630 को आसीज जहाद्वारा आम आदाय कमी 5445 केजी हे 1 एकर में 4840 टी गछ संख्या बजाय रखापी चाषी मैंने कपा बिहन बुणी सारे जमीर अन्य एक जगार अल्प किसी बिहन बुणी दे था और से जगार चारा को आनी बिहन गजा हो ना स्थान लगे था द्वारा प्रथमतः कपा चारा को अन्य एक जगार उपाड़ी आने को पड़ी था द्वारा तार चेर छिंडी जाए और से ही चारा ठीक भाव अन्य गच तुलन में बढ़ी पारे ना द्वितीयतः अन्य एक जगार बिहन बुणी चारा करने द्वारा खत सार अभाव चारा ठीक भाव बढ़ी न था शेषे सामान समय कपा बिहन बुणवा और चारा नक द्वारा कपा गच सब यूनिफर्म हो न था एहाकु दूर करिबा पाई चासी माने जेउ दिन कपा बिहन बुणिबे सही दिन जमी पाखरे थिबा गछर जे कोनसी बड़ पत्र को व्यवहार करी छोटो छोटो काहाली करिबे ओ सेथिरे माटी सहित गोबर खत को मिसाई भर्ती कर देबे आउ काहाली रे कपा बिहन दे चारा करिबे एहा करिबा द्वारा कपा चारा जमी रे बुणा होइतिबा कपा बिहन सहित समान समय रे बढ़ी थाए ओ यूनिफॉर्म ग्रोथ होइथाए चारा को लगाइबा समय रे ओपाड़ीबा को मध्य पड़ी न थाए आमे सही चारा को सीधा सड़ख गजा होइ न थिबा स्थान रे पत्र काहली को बाहर करी लगाई पारिबा जहाँ द्वारा से चारा रो चेरो छिंडे नाही ओ भल भाव रे बढ़ी पारे एठी देखंतु चासी की परी पत्र को व्यवहार करी कपा चारा करिछि पत्र को व्यवहार करिवार मुख्य उद्देश्य होउछि एहा बिना मूल्य रे सब जगार मिल जाऊँगी आउ गोटे मुख्य उद्देश्य हूँ बायोडिग्रेडेबल माने यहाँ व्यवहार करने द्वारा आम परेश दूषित होना अन्य पक्षरे
ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କପା ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ପଲିଥିନ୍ ବାବଦକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପଲିଥିନ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ପଦାର୍ଥ ବା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା। ଏହି କପା ଜମିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜମିରେ 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କପା ବିହନ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏକା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କପା ବିହନ ଗଜା ହୋଇନାହିଁ ସେଠି ସେ ଗ୍ୟାପଫିଲିଂ କରିନି। ଗ୍ୟାପଫିଲିଂ କରିନଥିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି ଓ ତା'ର କପା ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ କପା ଚାଷୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କିପରି କପା ଚାରାକୁ କାହାଳିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖୁଛୁ ପତରରେ ଗୋଟେ କପା ଲଗେଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ଠିକ କରିଛ, କାଁ ଦିଲେ କହିଛ? ଏଇଟା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେଟା ନେଇକିରି ସେ ମୁନି ମରିଯିବ ଯେନ ନାଇଁ ଆଖିରି ଥାଏ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେନ ନାଇଁ ଆଖିରି ଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବେ ପକଉଛ? ସେଇଦିନ ପକଉଛ ଜଗାଲା ପରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍। ସେଇଦିନ ପକାବାର ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ନା ପକା, ସେଇଦିନ କାଁ ଦିଲେ ପକଉଛ? ସେ ଆଘର ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବା ବୋଲି, ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେନ୍ଟା ଲଗେଇଛ ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ସମାନ ହେବା ବୋଲି। ଏଇଟା କେନ ଶିଖିଥିଲ କି ନିଜେ ବାହାର କରାହେଇଛି? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଏନ୍ତା କରି ପକେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଫେର ଆମର ଫେଟବ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଲି ଆର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପତର ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ଜରି ହେଲେ ଆର୍ ବେଶୀ ମାଇଟ୍ ହେବା ବୋଲି ଯେନ୍ତା ହେଲେ କହିଲେ ମାଇଟ୍ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ସେଟା ନେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଜାଗାନ ଖରା କରୁଥିଲେ ବି ଦେଇପାରିବ, ଖାଲିଟେ କୁଡ଼ିକିରି ସିଧା ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବ।